तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि पतंग में कन्ने कैसे बांधते हैं। तो ये मेरी पतंग है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, ऑसम पतंग है। और अब हम इस पतंग में कन्ने बांधेंगे। मेरा ये फर्स्ट वीडियो थे मेरे चैनल पे, जल्दी ही सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको एक छेद इधर और एक छेद इधर करना होता है। उसके बाद आपको एक बीता नापना होएगा और एक बीता के बाद फिर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ के दो छेद इधर कर देना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने कर लिए दो छेद, दो देखिए इधर हो गए और दो छेद इधर भी हो गए। तो अब हम लोग इस पे कन्ने बांधेंगे। तो कन्ने कैसे बांधने हैं आइए देख लेते हैं। तो कन्ने बांधने के लिए सबसे पहले आपको ले लेनी होगी सद्दी। मेरे पास है ये सद्दी, तो इस सद्दी को आपको डबल कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं ये सद्दी भी मैंने डबल कर ली और इधर लगा लिए गांठ। तो सबसे पहले आपको अपनी पतंग उल्टी कर लेनी है, यानी कि जिस साइड को लकड़ी उस साइड को नहीं रखनी। अब हमको इधर इस वाले छेद से धागा डालना है और दूसरी तरफ को देख करके इस वाले छेद से वापस करके और इस वाले छेद से गांठी लगा देनी है। आपको एक गांठ बांध लेनी होगी, देख सकते हैं ये मैंने बांध लिया। अब पीछे का बांधते हैं। तो हमारे ये दो छेद हैं पीछे के। सबसे पहले हम एक छेद में डालते हैं, इस वाले छेद में मैं डालूँगा फिर इससे निकालूँगा। तो आइए सबसे पहले इस वाले छेद में डाल देता हूँ। मैं डाल दिया पतंग को उल्टी करके और इस वाले छेद से वापस करना है। मैंने इस वाले छेद से वापस कर लिया, अब गांठी बांध देनी है। और अब हमको बस इस पे बीच की गांठ लगानी है। तो बीच की गांठ कैसे लगानी है आइए देख लेते हैं। बीच की गांठ लगानी है, सबसे पहले इस धागे को देखिए और थोड़ा आगे का थोड़ा छोटा रखिए और पीछे का थोड़ा सा बड़ा रखिए। देख सकते हैं मैंने आगे का छोटा रखा है और पीछे का बड़ा रखा है। और अब हमको इस पे गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने हैं सबसे पहले। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने ये बांध लिए कन्ने। अब आप इस पे अपना धागा बांधिए और उड़ाइए, ये बहुत अच्छी उड़ेगी पतंग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।